प्रधानमंत्री मोदी के मिशन स्वच्छता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में स्वच्छता अभियान चलाएगा, जिसमें सीआरपीएफ डीआईजी ने अपने जवानों के साथ कैंप परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। उनके इस अभियान में जवानों और बड़े अधिकारियों के परिवार की महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे कैंपस की सफाई की और केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल और बच्चों ने भी इस स्वच्छता अभियान में भाग लिया और अपने आसपास सफाई रखने का संकल्प लिया। बच्चों ने पूरे जोश के साथ सफाई की और लोगों को इस अभियान से जुड़ने की अपील की। वहीं सीआरपीएफ डीआईजी प्रवीण कुमार की पत्नी ने भी इस अभियान में भाग लिया और अपने पति संग उन्होंने भी झाड़ू लेकर सफाई की और मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़कर भारत को साफ सुथरा बनाने की शपथ ली। पूरे सीआरपीएफ ही 2-10 व गांधी जयंती तक स्वच्छता ही सेवा है इसको थीम मानते हुए एक स्वच्छता का अभियान चला रही है। इस अभियान के दौरान पूरे इस दिनों में अलग अलग जगहों पे हमने, जैसे कोई जहां टॉयलेट है उनको साफ करना, बिल्डिंग जहां सीपेज है डैमेज है उसको क्लीन किया जाए, अपने जो एरिया है जहां गंदगी पड़ी रहती है उन सबको साफ़ किया जाए, इसके अलावा अपने एरिया में कोई टूरिस्ट प्लेसेस, बस स्टैंड जहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है तो वो भी साफ रहे, ताकि लोगों में और फोर्स में और लोगों में जागृति पैदा की जाए कि अब जो इंडिया आज का देश है इसमें स्वच्छता का बहुत महत्व है और स्वच्छता ही एक्चुअली रियल से। वैसे तो हमारा कैंपस जो है, हम रोज़ ही हमारा स्वच्छ अभियान चला रहता है, बट आज खास करके हमारे स्कूल के बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय के हैं और हमारे कावा की जो लेडीज़ हैं, ऑफिसर्स वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बड़े खुश हैं और बड़े बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। और मेरे ख्याल में जो हम बोलते हैं कि कैच देम यंग, सो वी आर कैचिंग देम यंग। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि यही जनरेशन टू जनरेशन जो है ये आगे कैरी फॉरवर्ड बच्चे जो है अपने नेक्स्ट जो जनरेशन को हैं प्रेरित कर सकते। देखिए, हैबिट फॉर्मेशन जो होती है, आदतें, वो बच्चे अपने बचपन से ही सीखते हैं और विद्यालय उसके लिए सबसे उत्तम जगह है जहाँ बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं। और स्वच्छता तो एक ऐसी आदत है जो बच्चों को हेल्दी रहने में भी मदद करेगी और पूरे समाज को, हमारे और पूरे देश को, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, तो हमारे पूरे बच्चे उसमें जी जान से जुटे हुए हैं। और हम ये आदत अपने बच्चों को स्कूल में भी, हमारे बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो हम कहते हैं अपनी सीट के आसपास देखो, एक भी बिट ऑफ पेपर आपको दिखता है डस्टबिन में डालिए। हर क्लासरूम में डस्टबिन है और बच्चों की आदत बन गई है कि अब वो उठा उठा के कहीं कोई कूड़ा दिखता है, चाहे जैसे भी आया हो डस्टबिन में ही डालते हैं।